आप लोग एक फेसलेस यूट्यूब चैनल बना के उस चैनल से पर मंथ कितना कमा सकते हो आप लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चैनल को इधर दिखाने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो चैनल का नाम क्विज मॉन्स्टर। और इधर जो आप लोग देख सकते हो इस चैनल का सब्सक्राइबर 218,000 इस चैनल का सब्सक्राइबर। और इधर वीडियो अपलोड किया गया है, आप लोग देख सकते हो 243 वीडियो अपलोड किया गया है। और इस चैनल पर हर वीडियो पर लाखों में मिलियन में व्यूज आ रहा है, लेकिन इस चैनल पर सिर्फ अपलोड कर रहे क्विज वीडियो आप लोग इधर देख सकते हो, फ्रूट क्विज इधर आप लोग देख सकते हो, क्विज द नाम, ये सब वीडियो अपलोड करके पर मंथ लाखों में अर्निंग कर रहे हैं। सिर्फ ये एक चैनल नहीं है, आप लोगों को मैं एक और इधर चैनल दिखाने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस चैनल का नाम क्विज किंगडम। इधर भी आप लोग देख सकते हो इस चैनल का जो सब्सक्राइबर है 2.5 लाख इस चैनल का सब्सक्राइबर आप लोग देख सकते हो, मतलब 2.5 लाख, ठीक है। और इधर वीडियो अपलोड किया गया है 309 वीडियो, और इधर हर वीडियो पर आप लोग देख सकते हो लाखों में मिलियन में व्यूज आ रहा है, ठीक है। और इस चैनल पर मंथ लाखों में अर्निंग कर रहा है, ये मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, इधर सोशल ब्लेड आप लोगों को बता रहा है। आप लोग देख सकते हो इस चैनल पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो $385 से लेके $6.2K तक पर मंथ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और ये आप लोगों को मैं नहीं बता रहा हूँ, इधर सोशल ब्लेड बता रहा है। आप लोग चैनल का नाम भी इधर देख सकते हो। एक और चैनल का इधर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पर मंथ कितना अर्निंग कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो इधर आप लोग $650 से लेके $10.4K तक पर मंथ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और इस चैनल पर, इस दोनों चैनल पर सिर्फ क्विज वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो पर मैं आप लोगों को इस तरह का क्विज वीडियो बनाना सिखाने वाला हूं, लेकिन दो स्टेप में। पहला स्टेप कि हम लोग AI की मदद से कंटेंट क्रिएट करेंगे, और दूसरा स्टेप कि हम लोग टाइम मास्टर एप्लीकेशन से वीडियो रेडी करेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को तरीका बताने वाला हूँ, आज जो आप लोगों को मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ, कोई भी यूट्यूबर अभी तक आप लोगों को नहीं बताया। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो 100% गारंटी की आप लोग इस तरह का क्विज वीडियो बना पाओगे। सो बिना किसी देरी करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला स्टेप में आप लोगों को चैट GPT इधर ऑन करना पड़ेगा, और चैट GPT ऑन करने के लिए आप लोग सिंपल से गूगल के क्रोम ब्राउजर पर चले जाना। गूगल के क्रोम ब्राउजर पर आने के बाद आप लोग चैट GPT इधर ऑन कर लेना, और चैट GPT ऑन कर लेने के बाद अगर आप लोग अभी तक इस चैट GPT पर साइन अप नहीं किए हो, तो आप लोग कोई भी एक GMail ID से इधर सिंपल से साइन अप कर लेना। और साइन अप कर लेने के बाद आप लोग इधर देख सकते हो मेरा जो चैट GPT है इधर ऑन हो चुका है। तो अभी हम लोग इधर एक फॉर्म पेस्ट करेंगे, तो ये जो फॉर्म है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप लोग सिंपल से जाके उधर कॉपी कर लेना। उसके बाद आप लोग इधर देख सकते हो सेंड ए मैसेज हम लोग सिंपल से इसके ऊपर पेस्ट करके इधर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर लेने के बाद आप लोग इधर देख सकते हो सेंड का ऑप्शन हम लोग सिंपल से सेट कर लेंगे, और सेंड कर लेने के बाद इधर आप लोग देख सकते हो हमारा जो क्विज इधर रेडी हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो क्विज रेडी होने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा क्विज आ चुका है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को करने क्या है, सिंपल से आप लोग इस क्विज को इधर कॉपी कर लो, ठीक है। बस आप लोग इस क्विज को ऐसे आप लोग इधर सिंपल से कॉपी कर लो, जितनी भी क्विज है बस आप लोग कॉपी कर लो। और कॉपी कर लेने के बाद आप लोग सिंपल से चले जाना कोई भी मोबाइल पे एक नोटपैड पर, ठीक है। तो मैं एक नोटपैड पर इधर सिंपल से चला जाता हूँ, और मोबाइल के नोटपैड पर जाने के बाद मैं इसको सिंपल से इधर पेस्ट कर लेता हूँ। पहले इधर मैं सिंपल से इसको इधर पेस्ट कर लेता हूँ, और पेस्ट कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को करने क्या है, आप लोगों को अगर और भी इधर क्विज चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को सिंपल से इधर कंटिन्यू कर देना, ठीक है। क्रिएट मोर आप लोग इधर सिंपल से लिख लेना, मैं इधर आप लोगों को दिखा लेता हूँ, इधर सिंपल से क्रिएट मोर लिख के इधर सर्च कर लेता हूँ। और आप लोगों के सामने आप लोग इधर देख सकते हो इधर मैसेज सेंड हो रहा है, और इधर आप लोग देख सकते हो थोड़ा लोडिंग ले रहा है। और लोडिंग होने के बाद नीचे आप लोगों को मैं इधर दिखा देता हूँ, जैसे कि आप लोग इधर नीचे देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा और इधर क्रिएट हो चुका है। तो होने के बाद आप लोगों को करने क्या, बस आप लोग इधर सिंपल से सब कुछ इधर कॉपी कर लेना, और कॉपी कर लेने के बाद जो मेन काम रहता है दोस्तों एडिटिंग। तो एडिटिंग के लिए आप लोग चले आना काइन मास्टर एप्लीकेशन पर, और इधर जितनी भी क्विज है ये सब मैं मेरे टेलीग्राम पर दे दूंगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम से जाके भी जितनी भी इधर क्विज है क्विज को आप लोग कॉपी करके अपने लिए खुद का वीडियो क्रिएट कर सकते हो, अगर आप लोगों को चैट GPT यूज करना नहीं आता है। उसके बाद आप लोग चले आना काइन मास्टर एप्लीकेशन पर, ठीक है। दोस्तों काइन मास्टर एप्लीकेशन पर आने के बाद आप लोग सिंपल से काइन मास्टर एप्लीकेशन इधर ओपन कर लेना, और काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों को करना क्या है। दोस्तों मेरे पास जो काइन मास्टर है ये पेड वर्जन है, इसमें कोई भी वाटरमार्क नहीं है। अगर मेरी काइन मास्टर आप लोगों को चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। उसके बाद आप लोग सिंपल सा न्यू प्रोजेक्ट पर चले आना, न्यू प्रोजेक्ट पर आने के बाद इधर आप लोग देख सकते हो 16:9 का रेशो आप लोग सिंपल सा इधर क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद आप लोग सिंपल सा इधर इमेज एसेट पर चले आना, इमेज एसेट पर आने के बाद इधर आप लोग एक व्हाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना। व्हाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेने के बाद आप लोग सिंपल से इधर बैक आ जाना, और इसको आप लोग इंक्रीज कर लेना आप लोगों के वीडियो के हिसाब से, आप लोग कितनी दूर तक वीडियो
क्रिएट करोगे, मान लो एक मिनट, डेढ़ मिनट, दो मिनट, इस हिसाब से आप लोग इसका लेंथ इंक्रीज कर लेना। उसके बाद अभी आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, आप लोग सिंपल सा लेयर पे चले जाना, टेक्स्ट पर चले जाना, इधर आपको लिखना पड़ेगा गूज द आंसर। गूज द आंसर लिखने के बाद आप लोग इधर सिंपल सा ओके कर देना। ओके कर लेने के बाद इधर आप लोग फॉन्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना। इधर आप लोग इधर देख सकते हो ये वाला जो फॉन्ट है इसको आप लोग इधर सिंपल सेलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट कर लेने के बाद आप लोग सिंपल से इधर ओके कर लेना। ओके कर लेने के बाद इधर कलर पे चले जाना, इसका कलर आप लोग रेड करके इधर ओके कर देना। इसको आप लोग ऐसे स्क्रीन पर फुल स्क्रीन मतलब थोड़ा जूम करके इधर ऊपर आप लोग अच्छे से इधर ऐड कर देना। ऐड हो गया, उसके बाद आप लोग सिंपल से बैक आ जाना और इसको आप लोग एकदम लेयर के शेष एकदम मतलब एंड तक आप लोग कर देना, ठीक है। ऐसे आप लोग एकदम एंड तक कर देना। हो गया, होने के बाद अभी आप लोगों को करने के जो आप लोगों ने कॉपी किए थे, ठीक है, चैट जीपीटी से, उसको आप लोगों को इधर कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं इधर आ गया नोटपैड पर। अभी आप लोगों को करने क्या है, सिंपल सा आप लोग इधर बैग आ जाना पहले, ठीक है। तो ये रहा हमारा, इधर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्विज आ चुका है। तो सिंपल से आप लोगों को इधर करना क्या है, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। आप लोग सिंपल से इसको कॉपी कर लो और कॉपी कर लेने के बाद आप लोग चले जाओ फिर से काइनमास्टर एप्लीकेशन पर। काइनमास्टर एप्लीकेशन पर आने के बाद आप लोग लेयर पे चले जाओ, टेक्स्ट पर चले जाओ, इसको आप लोग सिंपल से इधर पेस्ट कर दो और इसको आप लोग इधर सिंपल सा ओके कर दो। ओके कर लेने के बाद इसका कलर पे चले जाना, इसको कर देना हम लोग ब्लैक, ब्लैक करके इधर ओके कर देंगे। ओके कर लेने के बाद इसको हम लोग ऐसे फुल स्क्रीन पर मतलब फुल स्क्रीन पर नहीं, थोड़ा हम लोग इधर एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और मिडिल पे हम लोग ऐसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे और सिंपल सा बैक आ जाएंगे और इसको भी हम लोग ऐसे इधर इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। इसका लेयर भी हम लोग सिंपल से इधर ऐसे इंक्रीज कर लेंगे। इंक्रीज कर लेने के बाद अभी आप लोगों को करने के यहाँ पर आप लोगों को एक टाइमर ऐड करना पड़ेगा। तो टाइमर ऐड करने के लिए आप लोग सिंपल से लेयर पे चले जाना, मीडिया पे चले जाना, आप लोग टाइमर का ग्रीन स्क्रीन आप लोग ऐड कर लेना। और ये जो ग्रीन स्क्रीन है आप लोग यूट्यूब से बिना कॉपीराइट के डाउनलोड कर सकते हो और फिर भी मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर लेना। मैं सिंपल से बैक आ जाता हूँ और इसका अभी आप लोगों को ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना पड़ेगा। तो ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए आप लोग सिंपल से चले जाना कोरमा के पे, इधर सिंपल से इधर अनेबल कर देना, ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुका है। इसको आप लोग छोटा करके आप लोग इधर इसको इधर ऐड कर देना, ठीक है। आप लोग इधर ऐड कर देना और अभी आप लोगों को करने क्या है, देखो इधर इधर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो, ठीक है। अभी मैं इधर वॉल्यूम को पहले इधर इंक्रीज कर लेता हूँ और आप लोगों को सुना देता हूँ। जैसे ही हम लोगों का इधर टाइमर ऑन होगा, देखो आप लोग देखो पहले, तो ये रहा हमारा टाइमर। तो टाइमर हमारा खत्म हो रहा है यहाँ पर। तो जहाँ पर ये हमारा टाइमर खत्म हो रहा है, इतनी देर तक होने के बाद आप लोगों को इधर जो आंसर है आंसर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल से इधर आप लोगों को करने क्या है, इधर आप लोग चले जाना फिर से टेक्स्ट पर। इधर आप लोगों को टेक्स्ट में जो आंसर है आंसर लिखना पड़ेगा। तो आंसर आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, जो हम लोगों ने कॉपी किए थे इधर ही आंसर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। हम लोग इधर आंसर को इधर सिंपल सा कॉपी कर लेंगे। इधर ऐसे कॉपी कर लेने के बाद फिर से काइनमास्टर पर चले जाएंगे, इसको हम लोग इधर सिंपल सा पेस्ट करके इधर ओके कर देंगे। ओके कर लेने के बाद अभी आप लोगों को करने के यहाँ पर जो हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। और इधर हमारा जो टाइमर है टाइमर खत्म हो चुका है और हमारा जो ऊपर जो ये वाला जो है एप्पल का जो लोगो है इसको हम लोग इधर पहले डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइमर यहाँ पर खत्म हो रहा है, इसको भी इधर खत्म मतलब कट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग चले जाना ट्रिम एंड स्प्लिट पर, ट्रिम टू राइट कर देना, हो गया। और इधर जो हमारा ये वाला जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर हम लोग इधर पहले ब्लैक कर लेंगे, इधर ओके कर लेंगे और इसको हम लोग इधर बड़ा करके इधर ऐड कर देंगे, मतलब ये रहा आंसर, ठीक है। हो गया, आप लोग देख सकते हो, हो गया। तो अभी आप लोगों को करने क्या है दोस्तों, देखो ये अचानक ऐसे मतलब यहाँ पर ऐसे ही है तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा इधर टैप करेंगे, इन एनिमेशन पर जाके हम लोग इसको इधर पॉप कर देंगे, ठीक है। और ये जो हमारा आंसर है आंसर पे भी हम लोग एक एनिमेशन दे देंगे, इसके ऊपर सिंपल सा टैप करेंगे, इन एनिमेशन पर जाएंगे, स्लाइड राइट कर देंगे, ऐसे बस हो गया। आप लोग देख सकते हो हमारा जो इधर वीडियो है, वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन हम लोग इधर एक गलती कर चुके हैं। तो गलती क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये गलती आप लोग भी शायद कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोग सिंपल सा लेयर पे चले जाना, टेक्स्ट पर चले जाना, आप लोग इधर सिंपल सा वन लिख के एक डॉट लिख के इधर ओके कर दो। ओके कर लेने के बाद कलर पे चले जाओ, इसका कलर भी ब्लैक कलर इधर ओके कर दो और इसको ऐसे आप लोग बड़ा करके इधर आप लोग इसके पास आप लोग इसको इधर ऐड कर दो, मतलब ये नंबर वन है। और इसको भी आप लोग एकदम लास्ट तक कर दो, ठीक है, एकदम वीडियो की लास्ट तक आप लोग इसको ऐसे इधर एडजस्ट कर दो, ठीक है। हो गया, आप लोग अभी मैं इधर वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वीडियो जो हमारा है बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा वन वाला जो टेक्स्ट है, इसके ऊपर हम लोग सिंपल से टैप करेंगे। यहाँ पर जो हमारा एप्पल जूस इधर जो खत्म हो रहा है, इधर हम लोग सिंपल से ट्रिम एंड स्प्लिट पर जाएंगे, हम लोग सिंपल से इधर स्प्लिट दे देंगे। सिंपल से फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इधर एडिट पर जाएंगे और यहाँ पर जो वन है हम लोग सिंपल से इधर इसको टू लिख के एक डॉट देके छोड़ देंगे,
हो गया। अभी आप लोगों को करना क्या है, इधर आप लोगों को फिर से एक इधर आप लोगों को क्विज ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग सिंपल से इधर चला जाना, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक क्विज में। इधर एक और इधर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको इधर पहले कॉपी कर लेता हूँ अच्छे से। कॉपी कर लेने के बाद फिर से हम लोग चले जाएंगे इधर काइन मास्टर पर, लेयर पे, टेक्स्ट पे, और हम लोग सिंपल से पेस्ट करके ओके कर देंगे। हो गया, अभी इसके कलर पे जाके हम लोग इसको ब्लैक करके बस हम लोग इधर ओके कर देंगे, ठीक है। और इसको फिर से हम लोग ऐसे इधर फुल स्क्रीन पर कर लेंगे, मतलब जूम कर लेंगे थोड़ा। हो गया, और अभी आप लोगों को करने क्या है, इधर टाइमर ऐड करना पड़ेगा। तो टाइमर ऐड करने के लिए दोस्तों आप लोग सिंपल से टाइमर के ऊपर टैप कर लेना, इधर थ्री डॉट पर चले जाना है, डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद आप लोग देखो जहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्विज आ रहा है, आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्विज आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्विज आ रहा है। तो हम लोगों को इसको इधर ऐड करना पड़ेगा अच्छे से। तो यहाँ पर क्विज तो ऐड हो गया, इधर टाइमर भी खत्म हो चुका है, लेकिन टाइमर से पहले हमारा जो ये क्विज है चला गया। तो इसका लेंथ हम लोग थोड़ा ऐसे इंक्रीज कर लेंगे, और यहाँ पर हमारा टाइमर खत्म हो रहा है, आप लोग देखो टाइमर खत्म हो रहा है यहाँ पर। और इधर इसको भी हम लोग इधर कट कर लेंगे, सिंपल से उसके ऊपर टैप करेंगे, ट्रिम एंड स्प्लिट पर जाएंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। और इधर बस आप लोगों को करना क्या है भाई, इधर आप लोगों को आंसर ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर के लिए हम लोग सिंपल से फिर से उधर चले जाएंगे, ऑरेंज जूस पर हम लोग इसको इधर कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद फिर से चले जाएंगे काइन मास्टर पर, लेयर पे, टेक्स्ट पर, और हम लोग सिंपल से इधर पेस्ट करके ओके करके इसका कलर हम लोग ब्लैक करके ओके कर देंगे, ठीक है। हम लोग इधर ओके करके इधर अच्छे से इधर ऐड कर लेंगे, बस हो गया, देखो अच्छे से इधर ऐड कर लेंगे, हो गया। सिंपल सब बैक आ जाएंगे, और जो हमारा नेक्स्ट जो क्विज है, ठीक है, इसको हम लोगों को करना क्या है, इसको भी हम लोगों को एनिमेशन देना पड़ेगा। तो सिंपल से उसके ऊपर टैप करेंगे, इन एनिमेशन पर जाएंगे, इधर इसको फेड दे देंगे, और ये जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को भी हम लोग इधर सिंपल सा एक एनिमेशन दे देंगे स्लाइड। हो गया, बस ऐसे ही बस आप लोगों को इधर वीडियो रेडी करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। और अगर आप लोग चाहते हो तो इसके साथ आप लोग वॉइस ओवर कर सकते हो, जैसे कि देखो यहाँ पर एप्पल जूस आ रहा है, तो आप लोग सिंपल से इधर एक वॉइस ओवर ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देखो इधर रिकॉर्डिंग पर चला जाना, और आप लोग इधर देख सकते हो, ऐसे देखो रिकॉर्डिंग पर आने के बाद आप लोग इधर देख सकते हो यहाँ पर स्टार्ट वाला ऑप्शन, आप लोग सिंपल से स्टार्ट पे टैप कर देना, और आप लोग देखो एप्पल जूस तो हो गया एक वॉइस ओवर इधर। तो आप लोग ऐसे ही करके आप लोग सारी वीडियो पर ऐसे छोटा छोटा करके वॉइस ओवर भी कर सकते हो। और जितनी दूर तक आप लोग वीडियो रखोगे, उतनी दूर तक रखने के बाद बाकी का पार्ट जो है आप लोग सिंपल सा इसके ऊपर टैप करना, ट्रिम एंड स्प्लिट पर जाके ट्रिम टू राइट कर देना। सब जितने भी पार्ट है आप लोग सिंपल सा ट्रिम एंड स्प्लिट पर जाके ट्रिम टू राइट कर देना ऐसे, ठीक है, आप लोग सिंपल सा ट्रिम टू राइट कर देना। हो गया आपका वीडियो यहाँ पर रेडी, एक बार वीडियो में इधर प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे कि आप लोग देखो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारा जो वीडियो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी आप लोग एक और काम कर सकते हो, जैसे कि YouTube पर जाके आप लोग कोई भी एक कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करके इसके साथ आप लोग ऐड कर सकते हो, तो वीडियो जो है आपका बहुत ही और भी अच्छा लगेगा। उसके बाद आप लोग सिंपल से इधर सेव वाले ऑप्शन पर चले जाना, सेव वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप लोगों को इधर बहुत सारा अच्छा अच्छा रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। आप लोग कोई भी एक अच्छा रेजोल्यूशन देख के बस वीडियो को सेव कर लेना, ठीक है। और वीडियो को सेव कर लेने के बाद दोस्तों आप लोग बिंदास अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर देना, कोई भी कॉपीराइट क्लेम इशू नहीं आएगा, गारंटी मैं लेता हूँ। और ऐसे ही आप लोग फेसलेस YouTube चैनल बना के YouTube चैनल से पर मंथ लाखों में अर्निंग कर पाओगे। तो दोस्तों आई होप आज का कंटेंट आप लोगों को पसंद है, अगर पसंद है तो बस एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसा ही रोज इंटरेस्टिंग कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ।